अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूं मेरा टैब। नरेंद्र सर, सब प्लीज, आपने जो भी शेयर्स मेरे नाम किए हैं वो सारे वापस अपने नाम कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए सर। नहीं करो। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सर लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो ना, इसलिए। सर तो वाइफ होने के नाते इन सारी चीजों पे वैसे भी तो मेरा हक बनता है ना, तो फिर अलग से ये शेयर्स मेरे नाम करने की क्या जरूरत है? आप ये सारी चीजें प्लीज अपने नाम वापस कर लीजिए। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप सब कुछ अपने नाम करा लीजिए। हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो ना? नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। रियली लव। और एक प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम्हारी कोई भी जरूरत होगी ना उसे मैं पूरा करूंगा। और ये 200 करोड़ इसी प्रॉमिस की तरफ एक स्टेप है, छोटा सा स्टेप। इसलिए प्लीज अब हम इन शेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके अपना गेम खेलूं? सर मैं जानती हूं आप पागल नहीं है, आपको पागल कहने वाले पागल, क्योंकि जितनी अच्छाई आप में है उतनी तो शायद मैंने किसी नॉर्मल आदमी में भी नहीं देखी। देखिए मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आपने आने में कुछ देर कर दी मिस देशमुख। मतलब कि मिस्टर चड्डा ने आपसे पहले केस दर्ज करवा दिया है और जिसकी वजह से आज उनका पलड़ा भारी है, और इस वक्त आप जो कुछ भी कहेंगी वो सब डिफेंस मोड में माना जाएगा। और वैसे भी मिस्टर अर्जुन को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल चार्जेस हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारी इन कोशिशों से हमें कुछ हासिल होगा। प्लीज ऐसा मत कहिए सर, सब कोई ना कोई रास्ता तो होगा। देखिए अर्जुन बेगुनाह है, मैं जानती हूँ कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो उस रात उस पार्टी में मौजूद था, और उसका ओहदा बहुत बड़ा है, और देश की पॉलिटिक्स और जुडिशियल सिस्टम में उसका बहुत बड़ा होल्ड है। अगर वो अर्जुन के साथ खड़ा हो जाए तो अर्जुन का केस अपने आप ही उसके फेवर में चला जाएगा। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जिससे मिलने के लिए सारी दुनिया भर के लोग उस रात उस पार्टी में मौजूद थे, ऋषभ कपूर। मिश्रा जी आ गए। अरे मिश्रा जी बड़ी देर कर दी, पार्टी मीटिंग से सीधा आ रहा हूँ, ऋषभ जी की पार्टी आना तो था ही। अरे वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए आइए। कैसे मिश्रा जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। और तो ठीक है। अरे भाई वेयर इज मिस्टर आरके? अरे आप तो जानते ही हैं हमारे ऋषभ सर को पार्टी देने का शौक है, पार्टी करने का नहीं। तुम्हारे सर भी अजीब है। एनीवे हमें तो पार्टी एंजॉय करने का मजा आता है। आइए मिश्रा जी। मिस पूर्वी देशमुख जी, सर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए मेरे साथ। जय मैम, सर अंदर है। कम इन। दरवाजा बंद कर दीजिए, बाहर म्यूजिक की बहुत आवाज है। इतनी आवाज में ना हम एक दूसरे की बातें सुन पाएंगे ना एक दूसरे को पहचान पाएंगे। मिस्टर कपूर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ आपके घर में पार्टी चल रही है।
नो थैंक यू। हर सैटरडे मेरे घर में पार्टी होती है पर मैं अटेंड नहीं करता। आई लाइक टू थ्रो पार्टी नॉट अटेंड। खैर बताइए आपके यहां आने की वजह। अर्जुन किर्लोस्कर की रिहाई। अर्जुन किर्लोस्कर ये वही आदमी है ना जिसके सामने आप उस दिन पार्टी में रो रही थी गिड़गिड़ा रही थी। जी लेकिन मिस्टर कपूर आपकी आपकी एक गवाही आपकी एक कोर्ट विजिट उनको बचा सकती है। मुझे कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं लेकिन मैं अर्जुन की मदद क्यों करूं। मिस्टर कपूर मैं जानती हूं आपके पास कोई वजह नहीं है लेकिन अर्जुन अर्जुन बेगुनाह और क्या आप किसी बेगुनाह को बचाना नहीं चाहेंगे। आप उसे क्यों बचाना चाहती। उसने तो भरी महफिल में आपकी इंसल्ट की थी सबके सामने आपके प्यार को इनफैक्ट आपको अपनी जिंदगी से बेदखल होने को कहा फिर भी आप चाहती हैं। आपका नेचर ही इतना सॉफ्ट है या कोई और वजह। मिस्टर कपूर मैं अर्जुन को इसलिए बचाना चाहती हूं क्योंकि कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं जानती हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता कि मैं आज से नहीं 6-20 सालों से उससे प्यार करती आई हूं। मेरे पास अर्जुन को बचाने के लिए एक नहीं हजारों वजह है मिस्टर कपूर मगर उसके लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मिस्टर कपूर मैंने और अर्जुन ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया लेकिन फिर अचानक कुछ गलत फहमियां हो गई और हम एक दूसरे से अलग हो 20 सालों के बाद जब हम मिले तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है लेकिन नहीं वो अकेला था। फिर हमने अपना रिश्ता एक बार फिर से शुरू किया और अर्जुन ने फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ा। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूं वो अपनी फैमिली के साथ लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि अर्जुन खुश रहे। मिस्टर कपूर जब अर्जुन जेल से बाहर आएगा तो अपनी फैमिली के पास जाएगा शायद मेरी तरफ एक बार मुड़ के भी ना देखे लेकिन मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। अर्जुन मेरी कमजोरी था और हमेशा रहेगा। हम किसी को खुद से जबरदस्ती प्यार तो नहीं करवा सकते ना और ना ही खुद को किसी को प्यार करने से रोक सकते। आप जानती हैं बहुत ज्यादा प्यार भी बेवकूफी होता है। बेवकूफी से लेकिन मैंने बेवकूफी की है। देखते हैं आप अर्जुन से कितना प्यार करती हैं। मिस्टर कपूर एक अजनबी के सामने मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी और क्या बोलूं। मीट मी टुमारो। टुमारो कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन को बचाने के लिए आपको मेरे लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब इस पूर्वी लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। कल मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन को बचाने की क्या कीमत है। अब आप तय कीजिए कि आप क्या और कितना खोने को तैयार। देखते हैं आप अर्जुन से कितना प्यार करती हैं।
गुड मॉर्निंग, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस चलना है, ओके? और अच्छे से कपड़े मैचिंग, और यू नो ना, यू आर द बॉस नाउ, सारी मीटिंग्स तुम कंडक्ट करोगे, ओके? और मैचिंग रेडी हो जाएंगे। कौन सी टाई बेटर है? लेकिन क्यों सर? अरे तुम भूल गई, शेयर तुम्हारे नाम है, ये कंपनी तुम्हारी है, यू आर द बॉस नाउ। सर मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैंने आज तक कभी कोई मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की है, तो अब क्या कर लूंगी? सर मैं सिर्फ फाइल का रिकॉर्ड रख सकती हूँ, आपके आगे पीछे घूम सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकती। प्लीज एक मिनट, तुम मीटिंग कंडक्ट करते हो मेरे साथ होती थी ना, अगर तुम वो सब कर सकती हो तो मीटिंग भी कंडक्ट कर सकती हो। नहीं सर मैं नहीं, इट्स वेरी सिंपल, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये मुझे ना टाई नहीं बांधनी आती है और ना शू लेसेस बांधने आते हैं, इसलिए एक बार प्लीज मुझे टाई बांधना सिखाओगी? ओके सर, लेकिन मीटिंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं, पहले लौकी और समोसे, वेरी गुड। तो समोसे कब बनाए मैंने? मेरा ना समोसा सर तैयार हो जाए, बना के आती हूँ। मैं ये शर्ट पहनू? हाँ सर पहन, इस पे टाई की कोई जरूरत नहीं है। किसा टाई नहीं पहनू? टाई वेस्ट हो गया। अच्छा सुनो, आज एक गेस्ट आ रहे हैं, डिनर बना देना। यस। ये ताई वापस कब जाने वाली है शिरीष? जब तक वो रहेंगी ऐसे टेंशन रहेगी, हम लोग कब चैन से जिएंगे? अरे चली जाएंगी, अभी अभी तो आई हैं। और तुम आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई ना, ताई को अंकिता नरेन की शादी के बारे में पता चल गया, सुना रिलैक्स। लेकिन शिरीष इट्स नॉट द सेम थिंग। शाली मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? नो आई मीन आप क्यों जाएगी, आप तो यही रहेंगी ना ताई। हाँ एक्चुअली ताई हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब आपका प्रोग्राम ही डिस्कस कर रहे थे, आप अभी आई और अगर अभी चली गई तो हमें तो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिले। आई नो शिरीष, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे कितना चाहते हो, यू रियली लव मी, यू रियली केयर फॉर मी, इसीलिए तो तुमने मुझे नरेन की शादी में इनवाइट नहीं किया। मैं यहाँ अपने घुटनों के इलाज के लिए आई हूँ, दर्द बढ़ गया है, एक दो दिन में स्पेशलिस्ट से मिलूंगी, मुझे लगता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, हो सकता है नी रिप्लेसमेंट करनी हो। अगर वैसा हुआ शिरीष तो आई एम सॉरी, पर अगले कुछ महीनों के लिए मैं यही रहूंगी। अरे खरा सांगू का, आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट हियर, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा इंडिया ट्रिप इतना एंटरटेनिंग होगा। रोशाली जरा देखना तो महाराज ने ठीक से खाना बनाया नहीं, नरेन के लिए ऑफिस में टिफिन जाएगा। मैं देखती हूँ। अतु सुखी रहा, डैड ऑफिस चले, चलो। मॉर्निंग अतु, ऑफिस है। हाँ नरेन डू मी अ फेवर, तुम जरा आगे चले जाना, मैं दो मिनट के लिए सुनबाई के साथ बात करना चाहती हूँ। अच्छा ओके, अच्छा ओके।
अंकिता, नरेन की कंपनी की मालकिन बन गई हो। मैम, मैंने नरेन सर से कल कहा था, कल रात को ही कहा था। नरेन तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम नरेन से प्यार करती हो? नहीं, तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है। मैम, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने शादी की। कैसी मजबूरी? मैम, मेरे भाई बहनों को मुझे पढ़ाना था और मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और जब वैशाली मैम ने मेरे सामने ऑफर रखा तो मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उनसे शादी की। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैं नरेन सर के नाम ही कंपनी वापस कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम कंपनी वापस नहीं करोगी। नरेन को बहुत दुख होगा, पर याद रखना मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ी की और नरेन का नुकसान हुआ, आई विल नॉट स्पेयर यू। हाँ ना, अब बातें बहुत हो गई अत्तू, चलो ना, देर हो रही है। तुम्हें पता है रौनक हमें ड्रॉप कर रहा है। तुम बॉस, मैं तुम्हारा असिस्टेंट और रौनक हमारा ड्राइवर। चले, ओके बाय। आई एम सो सॉरी। क्या करूं नरेन, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। गुड। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, मन करता है कि इसे बातें ही करती रहो। अब ऑफिस के बाद। पर ठीक है, तुम इसे ले जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। बट जस्ट अ मिनट, आना प्लीज, मुझे माफ कर दो। अब यही खड़े रहोगे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ चलो। ट्राई टू अंडरस्टैंड रौनक, दुनिया में काम और मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग मेहनत के साथ काम नहीं करते उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। और तुम तो, खैर, तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करवा रहे हैं। तुम काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दैट मुझे उससे शादी नहीं करनी है, दैट किन्नरी। एक तो उसकी रेपुटेशन, और ऊपर से एटीट्यूड देखा आपने उसका, उसकी ना हर बात से चिढ़ा है मुझे। फ्रैंकली रौनक, अब क्यों, क्या, कब, इन सब का कोई इंपॉर्टेंस। तुम तो जानते हो कि ताई का डिसीजन फाइनल होता है, और वो हम में से किसी की बात अब सुनेगी नहीं। और वैसे भी रौनक, मेरा ओपिनियन है कि ये शादी करने में तुम्हारी ही भलाई। एंड फ्रैंकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी करने से हर्ज ही क्या है। टेल मी, शादी के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई चेंज तो आने वाला नहीं है? आई मीन योर लाइफस्टाइल, योर पार्टीज, योर फ्रेंड्स, वो सब वैसे वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है डैड, शादी के बाद सबकी लाइफ चेंज होती है। आई एम श्योर रौनक की भी होगी, आप खुद ही देख लीजिए मेरी लाइफ में कितना चेंज आया आना के आने के बाद, और आना की लाइफ में कितना चेंज आया। अब तो आना मेरा कैंडी क्रश सुनाने लगी है, फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है, और फिर हाथ पकड़ के ही सो जाती है। सर, और आप बोल रहे हैं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं, तुमने पकड़ा था ना रात को। रौनक, यू हैव एनी म्यूजिक? थोड़ा म्यूजिक बजाओ ना। अरे, और जो करंट लगता है वो तुम्हें छूते ही करंट लगता है, वो तुम्हें भी लगता है लेकिन तुम बोलती नहीं हो। लगता है ना? नरेन, एक्सक्यूज मी, रौनक एक्चुअली मुझे काम याद आ गया, हम लोग यहीं उतरते हैं। डैड, यहाँ? हम तो ऑफिस जा रहे थे ना। गेट आउट, हम लोग यहीं निकलते हैं। डैड एक मिनट, यहाँ बीच रास्ते में क्या काम है? लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा करते हैं कि मैं कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ, उसका ड्राइवर तुम लोग को लेकर चला जाएगा, हम लोग यहाँ से बाद में चल जाएंगे। यू श्योर? या, और तुम डायरेक्टली ऑफिस पहुँच जाना। ओके। आना, मेक श्योर कि तुम लोग डायरेक्टली ऑफिस जाओ, और ख्याल रखना उसका। बीच रोड पे काम है। इस बीच रास्ते में हम क्यों रुके हैं? आपको कौन सा काम याद आ गया? मैन यौन रौनक, कभी तो अपने ब्रेन्स का इस्तेमाल किया करो। नरेन और अंकिता की नई नई शादी हुई है, आई थिंक दे नीड सम प्राइवेसी। प्राइवेसी फॉर व्हाट? अभी तो आप कह रहे थे शादी के बाद कुछ नहीं बदलता। एंड नाउ? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, नरेन के बारे में नहीं। अब यहाँ बीच रास्ते में हम ड्राइवर का वेट करेंगे। वी गेट लेट, एक कैब ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी, यू थिंक रौनक करमरकर विल गो इन अ कैब? मैं आज तक कैब में नहीं बैठा हूँ। कैब में नहीं बैठे हो? दूंगा एक तुम्हें, एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा फिर। कम ऑन, उधर मिलेगी।
था, खाना इतना टेस्टी था, इतना न्यूज़पेपर ही नहीं पड़ा। अर्जुन किर्लोस्कर गॉट एन डीलिंग ड्रग्स केस?